गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। अब रोल पुष्पा का। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। संजू बाबा तो बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक खलनायक बन लिए दोस्तों। अब उन्हीं की राह पर चलने जा रहे हैं सनी देओल, जिनके साथ इस साल हर एक देशवासी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और अब फिल्मी दुनिया की उड़ती खबर के मुताबिक सनी ने पुष्पा के मेकर्स मैत्री मूवी मेकर्स के साथ साइन कर लिया है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट जिसे डायरेक्ट करने के लिए कबीर खान को अप्रोच किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये एक पेट्रियोटिक फिल्म होने वाली है। आपको बता दूं कि आजकल के फिल्मी ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है एक ही बैनर के नीचे बन रही फिल्मों के किरदारों का और दूसरी फिल्म में कैमियो। और पुष्पा 2 का 15 अगस्त पर रिलीज होना अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर क्यों इस फिल्म को इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज किया जा रहा है, जबकि फिल्म एक स्मगलर की फिल्म है। तो पॉसिबल है कि किसी ट्विस्टेड वे में पुष्पा 2 और पुष्पा के मेकर्स के साथ सनी देओल के इस नए फिल्म को जोड़ा जाए और पुष्पा का एक अपना ही यूनिवर्स बनाया जाए, क्योंकि आजकल हर फिल्मों के यूनिवर्स बनाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि सनी पाजी अपना टॉलीवुड डेब्यू काफी जोरों शोरों से करेंगे दोस्तों। तो वही स्टाइलिश आइकन अल्लू अर्जुन इस वक्त अपनी फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी है और इस बार उनका प्लान अपनी इस फिल्म को ऑस्कर तक ले जाने का है। लेकिन पुष्पा 2 की इतनी ज्यादा हाइप क्यों है दोस्तों, और क्यों फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा 2 सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 600 करोड़ की कमाई करेगी और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 1500 करोड़ के आसपास जाएगा और अभी तक की सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। तो इसका सीधा जवाब एक ही है कि बिना नॉर्थ में किए प्रमोशन के पुष्पा 2 साउथ से ज्यादा नॉर्थ में ही हिट रही थी दोस्तों। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर और राइटर सुकुमार तो फिल्म को हिंदी में रिलीज भी नहीं करना चाहते थे, और शायद नहीं करते तो फिल्म इतनी हिट भी नहीं होती जितनी की आज है। इसलिए दोस्तों हम पुष्पा या पुष्पा 2 को ओवररेटेड तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि पुष्पा के आइकॉनिक स्टेप्स और डायलॉग्स ने बड़ों से लेकर बच्चे और एक्टर्स से लेकर क्रिकेटर्स सबको पागल कर दिया था। और एक फायदा पुष्पा को यह भी हुआ कि जब पुष्पा साल 2021 में आई थी तब इंस्टाग्राम पर रील्स वाला फीचर नया नया था, और जब कोई गाना डायलॉग या फिल्म इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग हो जाती है दोस्तों तब उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर पुष्पा 2 1500 करोड़ की कमाई करती भी है तो वो कोई बड़ा शॉक नहीं होगा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा विधानी।